भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हमारी उनसे संबंध है, रिश्तेदारी संबंध भी है। उन्होंने हमको 11 बजे दिन में लिखा था कॉल मी, मैं 12:40 व्हाट्सएप पर फोन किया। फोन करने के बाद बोले कि हम व्हाट्सएप फेसबुक में लिखते हैं तो आप लोग को तकलीफ लगता है, आपके यहाँ के संगठन को, लेकिन पंकज जी आप हमारे निशिकांत दुबे के बारे में दो दो गो ऑडियो जारी किए गोड्डा में बैठकर लिखकर, ये अच्छी बात नहीं है, आप समय रहते सुधर जाए। आप जानते हैं कि हम दुबे जी के कितने खास हैं, दुबे जी आए थे चुनाव प्रचार बंगाल में तो हम ही उनके साथ रहे थे, और आपसे अब दुबे जी के बारे में कुछ लिखिएगा तो भले राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में हम लोग की सरकार है, अभी बंगाल में देख लिए कि हम लोग क्या हर्ष कर दिए, आपके यहाँ CBI और ED का रेड करा देंगे, और यही नहीं आपको अपना हाथ भी धोना पड़ेगा जीवन से। दुबे जी का केंद्र में बहुत ज्यादा पकड़ है, इसलिए आप सचेत हो जाएं। ये मैं सुनने के बाद मेरे दिल में बहुत सारे क्वेश्चन उठे। मैंने 7 बजे जिड़वाबाड़ी थाना में एक लिखित आवेदन 26 तारीख को ही दे दिया। फिर मैंने सोचा कि राजनीति में ये अच्छी चीजें नहीं है। मैं 4 बजे उनको व्हाट्सएप पर भी लिखा कि भाई राजनीति अपनी जगह पर है और रिश्तेदारी अपनी जगह पर है, रिश्तेदारी में ये सब नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने जाकर 4 बजे मेरे विरुद्ध में 27 तारीख को आवेदन दिए। पंकज मिश्रा, अगर पिंकू शुक्ला को, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष को, अगर धमकी 26 तारीख को देता है तो फिर पिंकू शुक्ला 27 तारीख के 4 बजे शाम को जाकर FIR क्यों करता है, 48 घंटे के बाद क्यों करने जाता है? उसे 48 घंटे से ऊपर भी हो गया, उन्हें तो 26 तारीख को ही कर देना चाहिए। उन्हें जैसे मालूम हुआ कि मैंने एक 26 तारीख को आवेदन शाम को दे दिया है, उन्होंने 4 बजे मेरे विरुद्ध में जाकर दिया है, तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी आवेदन गलत है कि सही है, कि जानबूझकर झूठा आरोप लगाते हैं। और एक बात मैं मीडिया से कहना चाहता हूं, और यह राज्य सरकार पुलिस प्रशासन को भी कहना चाहता हूं कि मेरे जान पर बहुत खतरा है। बाबूलाल मरांडी जी, सुनील तिवारी जी और निशिकांत जी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, या तो कहीं वो झूठे मुकदमे में, या वो लोग मेरी हत्या भी करा सकते हैं मेरी बढ़ती हुई संताल प्रगना में जनाधार को देखकर। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था को पुष्ट किया जाए, क्योंकि हम डरे हुए हैं, हमारा परिवार सहमा हुआ है, मैं भी सहमा हुआ हूं। ये हैं तो क्या लगता है कि अब तो आप लोग सोचिए कि वो 54-55 घंटा के बाद आवेदन देते हैं, उनको तो आवेदन 26 तारीख को ही दे देना चाहिए। हमने तो 26 तारीख को 4 बजे शाम को दिया, FIR भी लॉज होगी, और वो देते हैं 55 घंटा के बाद, ऐसा क्या? यानी कि उसके तरफ से धमकी आपको मिला था? ठीक है, मान लिया जाए आप ही के बात को कि मैंने धमकी दिया, 12 बज के मिला था, उनके तरफ से हमें धमकी मिला, CBI ED जान मारने का, मरवा देंगे। तो हमने 26 तारीख को 7 बजे हमने अपना कार्यक्रम पतना गया, वहां से मैं कार्यक्रम किया, कार्यक्रम करने के बाद 7 बजे शाम को साहेबगंज आया और डायरेक्ट हमने जिड़वाबाड़ी थाना में जाकर लिखित आवेदन दे दिया। दूसरे दिन मालूम होता है कल मीडिया के द्वारा कि आप पर भी ये दिए हैं, तो पुलिस अपना काम करे, पुलिस अपना काम करे। अभी
भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग हम पर पीआईएल दर्ज कर रहे हैं। कीजिए, हमें उससे डर नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। अभी एक सुनील तिवारी जी का मैं ट्वीट देखा कि सपनों का महल हरिजन के जमीन में बन रहा है। सुनील तिवारी जी, मैं आपको चुनौती देता हूं, वो जमीन सुनील कुमार वकील से लिया गया है, 13 आदमी ने उस जमीन को खरीदा है, और जिसमें मैं भी खरीदा हूं 4 कट्ठा, 12 आदमी का नाम नहीं आता है, 13वां आदमी का नाम आता है। ऐसा क्यों टारगेट भारतीय जनता पार्टी मुझे बना रहा है, जब वो जमीन को 13 आदमी खरीदा है और उस महिला के पास कोई पेपर नहीं है। अगर पेपर है तो सुनील तिवारी जी, आप उस महिला का पेपर लेकर डीसी के पास उपस्थित हो, और मैं जिससे जमीन खरीदा हूं वकील सुनील कुमार से, वो भी पेपर लेकर डीसी के पास उपस्थित हो। अगर यह साबित हो जाता है कि यह सुनील कुमार की वो की जमीन नहीं है जिससे मैं खरीदा हूं, उस महिला की जमीन है, मैं बना बनाया हुआ घर को जमीन को छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन गलत प्रचार मत करें, ऐसी गलत राजनीति मत करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास है झूठी राजनीति करना। ये लोग हमें धमकी देते हैं कि बंगाल में क्या हाल हुआ, सरकार बनने के 2 दिन के बाद सीबीआई ने 2 मंत्री और 1 विधायक को गिरफ्तार कर लिया, और ये भी कहते हैं कि जिसके ऊपर केस हुआ था मुकुल राय सुब्रतो अधिकारी, उसको हम लोग नहीं धरे उसको। ये सब क्या धमकी देते हैं? क्या सीबीआई को ये लोग पीबीआई और बीबीआई बना दिया है, पॉलिटिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया या बेकार ब्यूरो ऑफ इंडिया बना दिया है? ये क्या धमकी है? हमें डर है ये लोग हमारी हत्या करा सकते हैं। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।